कहना चाहेंगे, प्राइवेट विद्यालयों में हर साल बुक बदल देने से विद्यार्थियों का भविष्य बदल सकता है? विद्यार्थियों का भविष्य नहीं, यहाँ पर तो गार्जियन जो है उनको शोषण किया जाता है प्राइवेट स्कूल द्वारा, और गरीब बच्चे तो प्राइवेट पढ़ ही नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हर साल किताबें बदल दी जाती है, क्योंकि उसका छोटा भाई जो है तो पढ़ ना पाए, इसलिए प्राइवेट विद्यालय जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर है, और सड़क से सदन तक यह गाना चलेगा, और कल हम लोग यहाँ पे चलेंगे माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार जी के यहाँ, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, सरकार में उठाए अपने हम लोग की बातों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातों को आप सदन तक पहुँचाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय भारत। संदेश देना चाहेंगे प्राइवेट विद्यालय जो मनमानी कर रहे हैं, एकदम बिजनेस बना लिया अपना, किताब को ये पढ़ाई के नाम को लूट कर रहा है। स्कूल में क्या होता है कि विद्या 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 होता है, विद्या पर सीखने के लिए बिजनेस बन गया है। एक एक करके बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा कहना ये है कि जो सालों साल किताब की पैसा बदल रहे हैं, किताब बदल रही है, समाज का एकदम दूर दूर कैसे सुन होगा, मतलब ये गलत है ना, ये बहुत बड़ी गलत है। तो इसका कहना ये है कि जो इन साल किताब का पैसा लग रहा है, आगे साल साले साल एडमिशन चार्ज, ऐसा क्यों, वैसा नहीं री एडमिशन, जब एक बार एडमिशन बच्चों का होता है तो री एडमिशन होना जरूरी है, नहीं गलत है ना। तो एक बार प्राइवेट विद्यालयों को जो संदेश देना चाहते हैं दे सकते हैं। एक बच्चों को हम लग रहा है कि 20 साल लग रहा है, और साल में 25 लग रहा है, 10 साल में बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो मर जा रहे हैं, ये इस कर पाएंगे की पहले दुकान से लेना, अब स्कूल में सब कुछ सेटिंग हो जा रहा है, ड्रेस से लेकर टाई से लेकर टू जेड सेटिंग कर रहा है विद्यालय। गलत हो रहा है या सही हो रहा है, गलत हो रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आवाज उठाए और इस बैनर को आप लोगों का दायित्व है। तो इस संबंध में विद्यालय द्वारा मनमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, आपने जो लिखा है कि प्राइवेट स्कूल द्वारा हर साल पुस्तक को बदल दे रहे हैं, इससे क्या होता है कि बुक बनने में पेड़ को अधिक काटना पड़ता है। हाँ, जो बुक बन रहा है उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते, अब जाएगा, हाँ कबाड़ हो जाएगा, बिल में जाएगा, हाँ या फिर वो कबाड़ी वाले ले जाएगा, हाँ और फिर उस बच्चों को फिर जो नया बुक खरीदे, तो इस हाँ। प्रोसेस में क्या होगा, पेड़ अधिक काटना पड़ेगा और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं अभिभावक का, अभिभावक का पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, इससे बच्चों का नुकसान है कि नहीं हो रहा है? अभिभावक का नुकसान है और इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, आप किस विद्यालय के शिक्षक हैं? प्राइवेट टीचर। प्राइवेट किस विद्यालय? अच्छा, होम ट्यूशन। अच्छा गुरुजी, एक मेरा मन में प्रश्न है और मैं सोच रहा था कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो मैं उससे बात करूं जो मतलब कि बार बार प्रकाशन को चेंज कर दे रहे हैं, इतनी महंगी किताबों को चेंज कर दे रहे हैं, और इस प्रकाशन को चेंज कर देने से विद्यार्थियों को कुछ फायदा है? नहीं, ये प्रकाशन चेंज करने के बाद भी वे लोग री एडमिशन अंधाधुंध लेते हैं और किताब को चेंज कर देते हैं, जिससे अभिभावक वो कमाएगा तो परिवार का खर्चा मेंटेन करेगा कि किताब कॉपी खरीदेगा, इससे अभिभावक जो है टेंशन, दिन प्रतिदिन टेंशन में होते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार के तरफ से कोई न कोई इसके लिए कानून बनना चाहिए, जिससे कि गरीब और अमीर के बच्चे पढ़ सके। अच्छा गुरुजी, एक और छोटा सा प्रश्न है, मान लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पे कॉपी किताब तो पेड़ पौधे से ही बनता है, तो मान लीजिए हर साल इतने किताबों को रिजेक्ट किया जाएगा तो और ज्यादा पैमाने पे पेड़ कटेंगे, उसी के चलते तो पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। तो बुक चेंज कर देने से एक तो पर्यावरण को नुकसान है ना जी। तो इससे पर्यावरण भी नुकसान में हो रहा है और जो परिवार के लोग हैं वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, एक तो पैसा नहीं है बुक चेंज कर देने का, जो शिक्षक का अनुभव है, जो पाठ्यक्रम है, और मान लीजिए एक परिवार में तीन बच्चे पढ़ते हो, अगर तीनों बच्चे सीरियल 1-3 क्लास में हो, तो अगर 3 क्लास वाला बच्चा 1 क्लास को बच्चे को समझाने में उसको परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल परेशानी आएगी, बिल्कुल परेशानी आ रही है, आ रही है ना, एकदम बिल्कुल परेशानी आ रही है, इसके लिए कड़ा से कड़ा सख्त नियम पारित होना चाहिए। और एक मेरे मन में प्रश्न था सर जी, जो शिक्षक पढ़ा रहे हो बार बार सिलेबस और पाठ्यक्रम को चेंज कर दे रहे हैं, तो इससे शिक्षक पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, मनमानी हो रही है, हर विद्यालय में मनमानी है, जिसके चलते गार्जियन कितने गार्जियन है जो नाम कटा दे रहे हैं, सारे न पढ़ पाओ, प्राइवेट स्कूल प्रकाशन से कमीशन लेकर बुक चेंज कर रहे हैं, जो है सब ये काम कर रहे हैं, और काहे लिए, कमाई के लिए, अंधाधुंध कमाई हो, सारे सिलेबस को चेंज कर देना, प्राइवेट स्कूल कमीशन खा रहा है, इसके वजह से वो चेंज हो रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, कमीशन लोग ले रहा है, दुकान से कमीशन ले लिया, हमको इतना चाहिए,
कहाँ से गार्जियन भरपाई करे, गार्जियन अपना घर का खर्चा चलाए। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश्वर नाथ पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना टाइम दिया। और ये प्राइवेट स्कूल द्वारा हर साल पुस्तकों को बदल दे रहे हैं लोग और गरीब अभिभावक एवं बच्चों को लूट रहे हैं। तो ये मेरा सर वोट थामे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। हम यही कहना चाहते हैं कि हर साल बच्चों को जब चेंज किया जाता क्लास में तो बच्चों को किताब खरीदने में बहुत गार्जियन को तकलीफ होती है और जो गरीब गार्जियन है तो जो गरीब व्यक्ति है वो हर साल किताब कहाँ से खरीद पाएंगे। एक तो प्राइवेट की काफी परेशानी होती है ना, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो भूख बदलने से बच्चों का भविष्य बदल सकता है। ऐसा कोई विचार नहीं है कि किताब बदलने से भविष्य बदल जाए। तो दोस्तों ये गलत है कि सही है? ये गलत है, सरासर गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चाहेंगे इस बारे में आप लोग क्या प्रत्येक वर्ष बुक को किताबों को चेंज करना चाहिए? इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा कि घाटा होगा? घाटा होगा। इससे विद्यार्थियों का तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी ये सभी लोग हम समर्थन में, जितने भी लोग समर्थन में हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताइए कैसा, मतलब कि प्राइवेट विद्यालय में प्रत्येक वर्ष अपना जो बुक बदलने की प्रक्रिया है, क्या सही है? लुटा जा रहा है ना आपके अभिभावक को? इस बात को सबको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? और इससे क्या विद्यार्थियों को फायदा होगा कि नुकसान होगा? घाटे में भी जाएगा ना। और प्राकृतिक को लेकर अगर हर साल बुक बदले, उतना बुक इन्वेस्ट हो, तो प्राकृतिक जो जिस पेड़ पौधे से हमारा बुक बनता है, कॉपी किताब बनती है, तो और ज्यादा पैमाने पर पेड़ कटेंगे कि नहीं कटेंगे? प्रकृति को नुकसान होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या इससे परेशानी हो रही है कि नहीं बुक चेंज करने? ज्यादा क्या काला परेशानी हो रही है गरीबों बच्चों के लिए, जो मिडिल क्लास लोग पढ़ा रहे हैं गरीब का काला, उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। हो जा रहे हैं एकदम खाने वाले, कमाने खाने वाले हैं, जो रोज धंधा करने वाला है, वो बताइए बच्चों को, जिसका घर में दो दो बच्चा है वो क्या करेगा? क्या कर सकता है? हर साल जो पीछे वाला बच्चा है वो अगर चलेगा तो वो पीछे वाला बच्चा किताब उसका काम आ सकता है। इससे पढ़ाई में भी नुकसान है, नुकसान हो रहा है और शिक्षा को भी नुकसान है, अभिभावक को भी जोर पड़ रहा है, इसमें प्रेशर भी दिया जा रहा है। स्कूल में जितना फैसिलिटी दिया जा रहा है उस हिसाब से फैसिलिटी पढ़ाई होता जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जनता को जागरूक करिए, यही हमारा आपसे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। अच्छा इससे विद्यार्थियों को इस पब्लिकेशन को चेंज कर देने से कोई फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है और अभिभावक को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस पे। और प्राइवेट स्कूल ये सब जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जितने भी तमाम मतलब विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, जो भी पाठ्यक्रम हो उनका, लेकिन बार बार पाठ्यक्रम के साथ साथ जो प्रकाशन को चेंज कर दे रहे हैं, तो प्रकाशन के चेंज करने के बाद री एडमिशन का पैसा ले रहे हैं, तो ये सही है या गलत है? बहुत ज्यादा गलत है। लोगों को इस पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आवाज उठानी चाहिए ना, एकजुट होना चाहिए। और बिहार, स्पेशली बिहार सरकार इस पे कोई अच्छा कदम उठाए, कोई कानून बनाए प्राइवेट स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई कानून, नियम कानून बने और हमारे जिले के एसपी डीएसपी और जो भी तमाम शिक्षा पदाधिकारी हो, जो भी शिक्षा से रिलेटेड हो, विद्यालयों के नियम कानून में ऐसे सुधार हो ताकि अभिभावक और बच्चों पर प्रभाव न पड़े, आर्थिक स्थिति का सामना न करना पड़े। काफी मुश्किलों के बाद पैसा आता है और 3,000-3,000 का किताब और साल भर के बाद रिजेक्ट लोग कर देते हैं, तो ये गलत बात है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। बिहार सरकार बहुत महंगी महंगी किताबें हैं और उसको रिजेक्ट करके और अन्य प्रकाशन की किताबें चला देना, ये तो सरासर गलत है और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जागरूक। तो एक बार बोल दीजिए कि आप मतलब कि जितने भी लोग हैं इस चीज को समझे और अपने अंदर की जो दिल की बात है जुबा पलाए और थोड़ा सा आवाज उठाए, चुपचाप ना रहे। आवाज उठाना चाहिए और सबको जागरूकता फैलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।